हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे ओजोन डेप्लीशन। ओजोन डेप्लीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ ओजोन। ओजोन एक लेयर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एटमोसफेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड उसकी थोड़ी सी अमाउंट जो है वो ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है। अब जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है। सो इसका जनरल फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन होती है O2, बट दिस इज O3 इज ओजोन। अब इसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ तक जाता है, मतलब कितना रीजन ये कवर करता है, 10 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर तक। एंड इसकी जो पी की कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर जाके जो राइज होती है, वो होती है 25 किलोमीटर पर। सो यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट्स। आगे हम देखेंगे कि ओजोन लेयर है वो अगर एटमोसफेयर में प्रेजेंट है तो उसके एरिया को क्या बोलते हैं। सो दिस रीजन ऑफ एटमोसफेयर विच कवर बाय ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। ओके, सिंपल, मतलब जिस रीजन में एटमोसफेयर के कितने रीजन्स हैं, जैसे मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ओके, इन अदर वे वी कैन से कि स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर बिकॉज इट कवर ओजोन लेयर। ओके, एंड ओजोन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर एंड इट एक्ट एज अ शील्ड बिकॉज ये हमें प्रोटेक्ट करती है कितनी हार्मफुल रेज जो सूरज से आती हैं, ठीक है। एंड अगर वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट में आए तो हमें बहुत ज़्यादा डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे स्किन रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बनी होती है। ये नेचुरल एंड मैन मेड प्रोडक्ट है, नॉट ओनली नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब मैन एंड नेचर के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग ये बनी है। अब ये ह्यूमन बींग के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकती है, बेनिफिशियल भी है। हार्मफुल इफेक्ट की अगर बात करें तो अगर ओजोन को किसी भी तरीके से, जैसे लेबोरेटरी में हो गया या एक्सपेरिमेंट करते टाइम कंज्यूम कर ले ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के साथ वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे ब्लड के साथ बहुत जल्दी वो रिएक्ट करेगा एंड इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है एंड बॉडी में एज इट रहता है एंड चेस्ट पेन होने लग जाती है एंड बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। प्लस पॉइंट इसका ये है, बेनिफिशियल ऐसे है क्योंकि ये हमें यूवी रेस से बचाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आज के टाइम पर ओजोन के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, मतलब ओजोन अब आगे से कैसे इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो ओजोन की अगर बात करें, अंटार्कटिका रीजन जो एक कॉन्टिनेंट है वहाँ से वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई है। रिडक्शन क्यों हो रही है वो रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट रिडक्शन होने से वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है जिसको हम ओजोन होल भी बोलते हैं एंड दैट होल इज़ ऑल्सो नोन एज ओजोन डेप्लीशन। डेप्लीशन वर्ड इज़ रेफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ समथिंग। सो लेयर जो है वो ब्रेक हो रही है बाय द रिड्यूसिंग ऑफ देयर साइज, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड ओजोन डेप्लीशन। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो आगे देखते हैं रीजंस कि किन वजह से ओजोन डेप्लीट होती है। पोल्यूटेड एयर में हो में केमिकल्स होते हैं NO2, जब वो रिएक्ट करता है ओजोन के साथ तो ये दोनों गैसेस मिलकर बनाती है NO3+O2। NO3 जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका क्या मेन मोटिव होता है, ऑक्सीडेशन को वहाँ से रिमूव करना। तो जब वो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली है ऑक्सीजन की अमाउंट वहाँ से कम हो रही है, O3 से वो O2 हो रहा है, तो मतलब वहाँ पर डेप्लीशन हो रही है, रिमूविंग हो रही है, रिड्यूसिंग हो रही है। सो आगे देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिलीजिंग फ्रॉम द एयर कंडीशनर एंड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। जो हम फ्रीज़र यूज़ करते हैं या कूलिंग करने के लिए कोई भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उससे रिलीज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एंड जब वो एक्युमुलेट होता है एटमोसफेयर में तो वो जल्दी वहाँ से नहीं जाता है एंड ओजोन के साथ मिक्सअप होके वो वहीं पर स्टेबल कंपाउंड बना लेता है एंड जिसके कारण वो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जो कार्बन है वो Cl2 इज़ अ क्लोरीन, NF2 इज़ अ फ्लोरीन। जब यहाँ पर यूवी रेस पड़ेंगी तो ये क्या बन जाएगा, CCl
F2 एंड वहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा एंड पीछे जो फिर दोबारा Cl है जो वो रिएक्ट करेगा एंड बनेगा CFCl3 एंड ये जब CFCl3 जो है वो ओजोन के कॉन्टैक्ट में आएगा देन जो है वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा एंड वहाँ से डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाती है. एंड थर्ड रीज़न इज़ द यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड बिकॉज पेस्टिसाइड्स कंटेन मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द सोयल फर्टिलाइजेशन एंड फॉर किलिंग द पेस्टिसाइड्स एंड दीज आर द मेन रीज़न वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बिकॉज जब मिथाइल ब्रोमाइड है वो जाएगा सोयल से रिवर में, रिवर से ओशियन में एंड ओशियन में जब इवेपोरेशन होगी एंड ऊपर उसके पार्टिकल्स आएंगे तो वो पार्टिकल्स स्टेबल होंगे एंड ओजोन को डेप्लीट कर देंगे. सो दिस इज ऑल्सो रीज़न ऑफ द ओजोन डेप्लीशन. आगे हम देखेंगे कि जब ओजोन डेप्लीट हो जाती है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को फेसिस करना पड़ता है. सो यहाँ पर मैंने एक हैंड से कैमरा पकड़ा है इसीलिए राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही है. सो प्लीज़ कॉपरेट विथ मी. एंड फर्स्ट इज़ द इफेक्ट कैंसर एंड वो स्किन कैंसर भी हो सकता है एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी कैंसर भी हो सकता है. सेकेंड वन इज़ द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग रिजेंबल ही होता है. होता क्या है कि जब ओजोन लेयर टूट जाएगी तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा हो जाती है एंड हीट ज़्यादा होने लग जाती है जिसके कारण जो है सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग एंड एक्वेटिक से लेकर टेरेस्ट्रियल हर एक तरीके से सफरिंग करनी पड़ती है. सो नेक्स्ट इज़ कि जब ओजोन डेप्लीट होगी तो एनिमल्स को भी डिसीजेज होंगी, स्किन रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको भी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जैसे सेम हमारे अंदर होते हैं सेम उनमें भी होंगे, प्लांट्स में भी होंगे. सोइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.